अभी हम व्यवहार न्यायालय नवादा में मौजूद हैं। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से रोजा के पावन त्यौहार पर तमाम लोग बैठकर एक साथ भोजन कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रोजा जो है कब तक चलती है, किस वजह से जो है चलती है, और क्या जो है इसमें ये भोजन जो कराया जाता है तो किस वजह से कराया जाता है। हमारे साथ देख सकते हैं प्रिंस तमन्ना जी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि रोजा होता क्या है। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है जी, और आखिरी असरा है, चूँकि रमज़ान मगफरत का, रहमत का और बरकत का महीना है, और इस महीने में जो रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और दुआएं करते हैं कि देश में शांति, अमन, भाईचारा बना रहे। और ये चूँकि हिंदुस्तान हम लोग का सेकुलर देश है, कभी आपके त्यौहार में हम दशहरा में गए, कभी मेरे त्यौहार में आप आए, तो इससे आपस में एक खुशी महसूस होता है। और इस आपने देखा कि नवादा सिविल कोर्ट में जो अफ्तार का आयोजन हुआ, ना इसमें कोई बड़ा ना कोई छोटा, जज साहब थे, मजिस्ट्रेट साहब थे, सारे पदाधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे लोग यहाँ पर, सामाजिक वर्कर भी थे, तमाम लोग बैठ करके एक चटाई पर, एक दस्तरखान पर, एक टेबल पर हम लोगों ने अफ्तार किया है जी। तो इससे पता चलता है कि ना इंसान ना कोई बड़ा ना छोटा होता है, सब एक होता है, और यही संदेश जाता है इस्लाम से। इफ्तार पार्टी में जैसा कि देख रहे थे कि लगभग सैकड़ों लोग आपस में बैठकर जो है एक साथ भोजन कर रहे थे, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। हाँ, सारे समाज के लोग इसमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे लोग थे। यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान का, गुलदस्ता में हर तरह का फूल रहता है, तभी दिखने में खूबसूरत लगता है। रोजा में कह सकते हैं इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया जाता है खास तौर पर भाईचारा का संदेश देता है। इससे भाईचारा का संदेश जाता है और आपस में इत्तेहाद और खुशी और एकता का संदेश जाता है, जो पूरी दुनिया को मैसेज जाता है कि हिंदुस्तान सबका देश है। जी जी। और यहाँ पर पीपी साहब हैं, आयोजक थे, जकी हैदर साहब हैं, ये व्यवस्थापक थे, उनसे भी पूछ। किस वजह से सर यहाँ रखे थे आप जो है पूरा इफ्तार पार्टी? हमने ये इफ्तार पार्टी गंगा नाम बताइए, मोहम्मद तारिक, प्रभारी लोक अभियोजक नवादा। मैंने ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, इससे गंगा जमनी तहजीब को एक जगह लाने का प्रयास किया था। आपने देखा होगा इस अफ्तार पार्टी में हर समाज के, हर वर्ग के लोग थे, जिसे लगा कि जो हिंदुस्तान के गांधी जी का जो सपना था वही साकार करने के लिए मैंने अफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। बिल्कुल सर। और रोज़ा जो है, रोज़ा जो रखा जाता है वो रोज़ा एक आस्था है, और यह हमारा पहली रमज़ान से लेकर 29 रमज़ान तक चलता है, ये आखिरी अशरा चल रहा है। इसमें जो है मगफरत की दुआएं होती है, ताक रातें जो होती हैं उसमें हम लोग इबादत करते हैं, अपने गुनाहों को माफ़ करवाते हैं, अपने मुल्क के अमन चैन की शांति के लिए दुआ करते हैं, और चाहते हैं कि हम लोग हर तरह से एक तरह रहें। इफ्तार पार्टी का आयोजन जो है आज नवादा जो व्यवहार न्यायालय में किया गया था, तो आप ही के द्वारा किया कराया गया था, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई? हाँ, सब वर्ग के लोग थे, सब वर्ग के, सारे वर्ग के। हाँ, सारे वर्ग के सभी लोग थे, सामूहिक प्रयास था, सभी लोग इसमें। हाँ, यहाँ पे जितने सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब, सारे अधिवक्तागण, सारे पदाधिकारी, सिविल कोर्ट के सारे स्टाफ, सभी लोगों का ये प्रयास था कि यहाँ पे एक अफ्तार पार्टी का आयोजन हो, और हमारे जिला जज साहब की भी इच्छा थी, और तो सभी का सामूहिक प्रयास रहा। हमारे जितने भी अधिवक्तागण थे सभी लोगों ने इच्छा जाहिर की कि यहाँ पे एक अफ्तार पार्टी का आयोजन होना चाहिए, जिसमें सभी लोग आज शामिल हैं, और एक खुशनुमा माहौल है, सब तरह के, यहाँ सीनियर जूनियर की कोई बात नहीं, सब लोग एक साथ बैठ कर अफ्तार किए, और इस तरह से जो है आज हम लोग सारे इकट्ठा हुए अफ्तार पार्टी में, ये सिविल कोर्ट के प्रांगण में आज अफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ जी। बहुत कम ही ऐसे पल होते होंगे कि सीनियर और जूनियर तमाम लोग कर सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक एक साथ बैठकर जो है आप भोजन कर रहे हैं। यहाँ सीनियर और जूनियर का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तक कि हमारे कोर्ट के जो मुंशी हैं वो भी हमारे जज साहब के बगल में बैठ के अफ्तार किए, ये सीनियरिटी और जूनियरिटी की बात नहीं, यहाँ पर जो लोग आ गए सब लोग एक साथ बैठ कर यहाँ पर सब लोगों ने साथ में अफ्तार किया, यही इस अफ्तार पार्टी का ये बाकी वीडियो में जो है आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरीके से सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर जो है इफ्तार पार्टी में भोजन कर रहे थे। बाकी कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर, अपना परिचय बताएंगे पहले? मैं महासचिव एडवोकेट एसोसिएशन सदर सब डिवीजन नवादा जी। ये भारत की पुरानी परम्परा जी, जो एक रमज़ान का पवित्र महीना होता है हिंदुओं के लिए, जिस तरह से छठ पर्व होती है जिसमें लोग उपवास रखते हैं, उसी तरह से ये इफ्तार पार्टी जो है वो हमारे
पीपी साहब के द्वारा, तारिक साहब के द्वारा, जकी हैदर साहब के द्वारा मनाया गया। और एक गंगा जमुना तहजीब की जो एक विशाल परंपरा है, एक बहुत पौराणिक परंपरा है, इसको इन्होंने निर्वहन किया है और इसकी एक शुरुआत की है। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हम चाहेंगे कि बराबर इस तरह का आयोजन किया जाता रहे ताकि लोगों में एक आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनी रहे। हम इसी दुआ के साथ सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। जी जी, बाकी देख सकते हैं कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। जी, नीलम परवीन जी हैं, इनसे भी जानेंगे, क्या कहेंगे? आज सिविल कोर्ट नवादा में रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन सभी विद्वान अधिवक्ताओं, जज साहब, जितने भी यहाँ कोई सीनियर कोई जूनियर आज के दिन नहीं होता है, सभी हम लोग एक कतार में होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। आज जो आयोजन हुआ है आपसी भाईचारा और देश में अमन चैन की दुआ के लिए, और एक मैसेज जाए कि यहाँ पे जिस तरह से होली मिलन समारोह होता है, जी जी जी, हम लोग भी सम्मिलित उसमें होते हैं, तो उस तरह से इफ्तार पार्टी का भी आयोजन हुआ है और सभी वर्ग के लोग यहाँ पे आए हैं और सब शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले भी नवादा व्यवहार न्यायालय में ये हुआ था कभी? नहीं, पहली बार हुआ है। और अब बार हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। अब हर बार होगा। हमारा नाम हसनैन वाइज हुआ जी। मैं यहाँ सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और ये जो व्यवस्था हुई है ये संयुक्त तत्वाधान में हुई है जी। इसमें सारे एडवोकेट्स भी शामिल रहे हैं, जुडिशियल अफसर भी थे और जो जुडिशियल अफसर के सबॉर्डिनेट्स थे सारे लोग इसमें शामिल थे। और इससे पहले भी परंपरा थी, जब सिविल कोर्ट की बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ भी अफ्तार की व्यवस्था होती थी, और बाद तब अफ्तार के बाद नमाज की भी वहाँ व्यवस्था होती थी। यहाँ एक कमी रह गई कि हम लोग नमाज की व्यवस्था नहीं कर सके जी जी। और अगला जो व्यवस्था होगा उसमें नमाज की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। धन्यवाद। जो भी यहाँ आए हैं मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और हम चाहेंगे बरकतुल्ला भाई दो शब्द आप भी बोलें, परिचय बताएंगे सर। मैं एडवोकेट बरकतुल्ला खान, सिविल कोर्ट नवादा जी। मेरे होश हवास में इतना बेहतरीन प्रोग्राम अफ्तार पार्टी का सिविल कोर्ट में मैं पहली बार देख रहा हूँ, जिसमें सारे जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, सीनियर करीब करीब एडवोकेट्स, कुछ जूनियर एडवोकेट्स और खा वो किसी भी जमायत किसी भी ज़ात बरदरी के, सभी लोगों ने शिरकत की और बहुत ही खुशनुमा बहुत ही बेहतरीन जो है ये प्रोग्राम देखने में आया। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम बराबर हुआ करें। प्रिंस तमन्ना जी हैं और भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? यहाँ पूर्व में पीपी रह चुके फैज रसूल साहब के भाई, मिसी भाई हैं और मिसबाह रसूल साहब हैं और सिक्रेटरी साहब हैं, तमाम लोग हैं और अरमान वकील साहब हैं, नीलम खान वकील हैं। काफ़ी सिर शायरी से काफ़ी लगाव था उनका, तो इस अफ्तार के मौके पर चार पंक्ति हम आपके हवाले कर रहे हैं। आज देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पेट्रोल डीजल गैस, उसके बारे में कि तेरी पहचान ऐ रमज़ान कहाँ से लाऊं, तेरी पहचान ऐ रमज़ान कहाँ से लाऊं, ऐसी महंगाई में पकवान कहाँ से लाऊं। दूसरा मिसरा है कि रोज़ा अफ्तार तो मस्जिद में भी कर लूँगा मगर, रोज़ा अफ्तार तो मस्जिद में भी कर लूँगा मगर, वास्ते सेहरी के सामान कहाँ से लाऊँ। राजद के नेता प्रिंस तमन्ना जी हैं, क्या लगता है सर त्यौहार के मौके पर भी कहीं ना कहीं आप राजनीति ला रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा ही चार पंथी हमने देश की जो स्थिति है उसको आईना दिखाने का काम किया है। राजनीति से कोई मतलब राजनीति से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद।